शमशेरा कहानी है एक ट्राइब की जिसका नाम है खमेरन। ये कर्म से डकैत है और धर्म से आजाद है और इन्हीं के लीडर शमशेरा यानी कि रणबीर कपूर है। फिल्म के मेन विलन शुद्ध सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है संजय दत्त ने। शमशेरा अपनी ट्राइब की आजादी के लिए लड़ते हुए मर जाता है और फिर एंट्री होती है उसके बेटे बल्ली की जो अपनी ट्राइब की आजादी के लिए लड़ता है। पर क्या उसकी ट्राइब को आजादी मिलती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन थोड़ी कमजोर पड़ गई। बाकी अगर एडिटर थोड़ी और मेहनत करके इस फिल्म को जरा छोटा कर देते तो बेटर होता। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है लेकिन एक दो गाने ऑड लगते हैं एज इफ दे डोंट फिट। बाकी सुखविंदर सिंह की आवाज को बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में यूटिलाइज किया गया है। अगर एक्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर और संजय दत्त ने बिल्कुल वैसे ही काम किया है जैसा एक्सपेक्टेड था, यानी कि परफेक्ट। बाकी बात करें वाणी कपूर की तो उन्हें भी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का काफी अच्छा स्कोप दिया गया है। फिल्म को काफी ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है एंड फिल्म एक्चुअली काफी अलग भी है। तो इस फिल्म को देखें रणबीर कपूर और संजय दत्त की एक्टिंग के लिए। कितना देता है शमशेरा को 3 out of 5 स्टार्स? और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख ली है तो हमें कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू किद्दा। 20,000 तो ज्यादा सिनेमा लवर्स किद्दा नु सब्सक्राइब कर चुके ने। सब्सक्राइब करो किद्दा ते प्रेस करो बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो अगेन।